गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज फैजल खान एंड यू आर वाचिंग द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय डैफोडिल्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड डूइंग योर स्टडीज रेगुलरली, डूइंग योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड लर्निंग योर मीनिंग्स एंड ऑल दीज रेगुलरली। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन का जो है मतलब अच्छे से पूरा फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। देखो, जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल भी अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कि जिन्होंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी है, सोच रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे तभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो वो भी हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी इन दिनों को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनमें लर्न भी कर रहे हैं, यानी उनको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ रही है, बिल्कुल आराम से घर पर। अब यहाँ पर स्कूल में आते थे तो सुबह से आते थे, शाम को जाते थे, तो बहुत सारा थकान भी महसूस होती है, अभी कुछ भी करना उनको नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ईजीली सब कुछ हो रहा है और ईजीली वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। और पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, लर्निंग मीनिंग लर्न है, मैथ्स का भी होता है, सारी चीज़ें वो धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उन पर कोई लोड भी नहीं पड़ रहा है और आराम से उनको सारी चीज़ें लर्न हो जा रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस टाइम को बहुत ही ईजीली ले रहे हैं और इस टाइम को ये समझ रहे हैं कि ये हमारा एक बेनिफिट है, हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसको छुट्टियों को फ़ायदे के हिसाब से वो ले रहे हैं, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान, मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनको अचानक से जब जैसे स्कूल खुलेंगे तो उनके ऊपर इतना एकदम से प्रेशर आ जाएगा, इतना लोड पड़ जाएगा कि उनको सब कुछ बहुत हार्ड और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे वो लोग। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी धीरे धीरे अपनी स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू रखें, और जितना भी आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम सुबह से शाम तक और रात भर आप पढ़ते रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, तो आप बस थोड़ा सा एक बार वीडियो लेक्चर 10 to 20 minutes का वीडियो लेक्चर होता है, 10 minutes का होता है मिनिमम, मतलब कम से कम 10 से 15 minutes तक का आपका लेक्चर होता है, तो इसको आई थिंक कि इसमें देखने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको एक बार देखना होता है और उसके बाद में आपको समझना होता है बस, और जो बुक है आपको वो रीड करनी होती है। और अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने बुक्स परचेज़ नहीं की हैं वो जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज़ करें, ताकि आपको स्क्रीन पर से देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन पर जो है इतना अच्छे से आप नहीं पढ़ पाते हो जितना आप बुक्स में से पढ़ पाओगे। ओके, तो जिन बच्चों ने बुक्स खरीद ली हैं वो अच्छी से अच्छी बात है, वो अपने सामने बुक रख के और वीडियो को देखें, और जिन बच्चों ने बुक्स परचेज़ नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज़ करें और उस पर स्टडी करें, लर्न करें। आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडरलाइन भी करनी होती हैं चीज़ों को, राइट, आप उंगली रख के कर सकते हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग करना पॉसिबल नहीं होता है, वो आप बुक्स में कर सकते हो, एक पेंसिल लेके आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाथ के हाथ उसी टाइम पे आप वीडियो को पॉज करके मीनिंग को राइट कर सकते हो। जैसे कि मैंने किसी लाइन का ट्रांसलेशन किया, वो थोड़ा सा हार्ड था, आपको वैसे समझ में नहीं आता है, तो आप उस लाइन का ट्रांसलेशन जो है बुक में कर सकते हो। ओके, यानी पेंसिल से आप बुक पर उसकी मीनिंग राइट कर सकते हो या फिर उसकी हिंट लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं तो उनको वीडियो को पॉज करके आप वहीं पर लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में और नोटबुक लेके बैठने में फ़ायदा देती हैं। तो यही सब बातें हैं, इन सब बातों को स्किप करते हुए मैं वापस से चैप्टर पे आता हूँ। हमने 3 questions जो हमारा चैप्टर था, लेसन था, जो चैप्टर फर्स्ट था आपकी टेक्स्ट बुक का, वो अबाउट कंप्लीट कर लिया था, मतलब जो इसका टेक्स्ट पार्ट था, रीडिंग पार्ट था, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है हमारा। आज हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, इसके साथ में जो एक पोइम अटैच है वो हम इसके बारे में देखेंगे। सो चलते हैं उसके उसी पार्ट पर। तो यहाँ पर आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो गया था, पार्ट 2, एंड दिस इज ओके। सो यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर में क्या था, वही सब जो 3 questions होते हैं किंग के और ये सब चीज़ें, तो ये आपने अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से रीड किया होगा, पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, सो आपको सारी कहानी याद होगी। सो आज हम जब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो आपको ये इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स अपने ही वे में देने होंगे। आप मतलब एक बार सोच के देखना कि बिना देखे बिना कहीं पर याद किए आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स लगते हैं या नहीं लगते। ओके, तो ये अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन आंसर, तो वहीं पर आपको पता भी चल जाएगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है, टेक्स्टुअल क्वेश्चन जहाँ पर दिए हुए हैं आपके। सो यहाँ पर आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, यानी किंग को मैजिशियन के पास में जाने के लिए सलाह क्यों दी गई। अभी आप एक बार सोच के देखिए, आपने अगर स्टोरी ध्यान से पढ़ी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किंग को मैजिशियन के पास में जाने की सलाह क्यों दी गई थी। हिंदी में आप इसका एक बार सोच के देखो, मतलब हिंदी में अगर हम सोचते हैं तो यही आता है सामने कि जब किंग ये पूछ रहा था कि बेस्ट टाइम क्या है या फिर बेस्ट पर्सन क्या है किसी के किसके, और बेस्ट वर्क क्या है मेरे लिए, बेस्ट बिजनेस क्या है, तो उन सब चीज़ों के बारे में
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जब उसने 3 क्वेश्चंस किए थे तो लोगों ने अलग 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 तरह की जो एडवाइस दी थी उन्हीं में से एक एडवाइस थी किन के लिए कि जो फ्यूचर की चीज़ें होती हैं वो तो एक मैजिशियन ही जान सकता है, यही कहा था ना किसी ने उस किंग को कि जो फ्यूचर की बातें होती हैं वो तो एक मैजिशियन ही जान सकता है यानी जादूगर ही जान सकता है, इसलिए तुम्हें जादूगर के पास में जाना चाहिए, यही था इसका आंसर। तो इसी को देखो इंग्लिश में कैसे दिया गया है, सम वाइज पीपल वर ऑफ द व्यू दैट सर्टेन अर्जेंट इश्यूज कुड नॉट वेट फॉर द काउंसिल्स डिसीजन, यानी किसी ने काउंसिल की जो सजेशन दिया था तो कुछ वाइज लोग जो थे वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, कुछ बुद्धिमान लोगों ने ये कहा था कि जो कुछ अर्जेंट इश्यूज ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, इमरजेंसी होते हैं, आपातकालीन होते हैं, तो उनको करने के लिए हम काउंसिल के डिसीजन का यानी बैठक बिठा के और उनके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द राइट टाइम टू सेटल द मैटर्स, यानी राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए यानी किसी भी मैटर को सेटल करने के लिए राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए हमें इट्स नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, हमें इसके फ्यूचर में झांकना पड़ेगा यानी इसके फ्यूचर को देखना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, एंड ओनली द मैजिशियंस कुड डू दैट, और इसीलिए मैजिशियन ही इसका पता चला सकते हैं फ्यूचर का, पता तो जादूगर ही तो पता चलाते हैं बाकी और किसी को तो फ्यूचर का पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से देयरफॉर द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, तो इसीलिए राजा जो है उसको सलाह दी गई थी मैजिशियन के पास जाने के लिए। तो देखो इसका आंसर आपको ऑलरेडी हिंदी में याद था, राइट, हिंदी में आपको ये आंसर याद है बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा अगर आपने कहानी अच्छे से रीड करी है, तो अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है और रीड करी है तो आपको आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर याद है, और इसी क्वेश्चन को बस आपको हिंदी में तो ये याद ही है, बस इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो बहुत ईजीली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो हार्ड वर्ड आते हैं बीच में, उनको एक बार आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए और उसके बाद में आप सेंटेंस बना सकते हो, तो सेंटेंस जो है आपको आराम से आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, तो इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हु एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, यानी सेकंड क्वेश्चन के आंसर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से यानी किसकी एडवाइस पीपल ने यानी लोगों ने दी थी वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग, यानी किसकी एडवाइस को किंग के लिए लोगों ने इम्पोर्टेंट बताया था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। उन्होंने कहा था कि किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए, राजा ने जब पूछा था तो उनको किसकी एडवाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई थी लोगों ने, तो वो क्या थी, वो हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँ तो वो थी कि लोगों ने कहा था कि तुम्हें एक काउंसलर्स की बैठक बिठानी चाहिए उन लोगों की और डॉक्टर्स का और इन सब का, उन्होंने बताया था कि इनकी जो काउंसिल बैठाओगे तो ये लोग तुम्हें सही से सलाह दे सकते हैं, उन लोगों को तुम्हें सुनना चाहिए। तो इसका आंसर आता है वाइल आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, यानी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देते हुए सम वाइज पीपल यानी कुछ बुद्धिमान लोगों ने सैड कहा था दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं किंग के लिए वो क्या है, काउंसलर्स हैं यानी उसके जो मंत्री हैं वो हैं, एंड सम अदर थॉट यानी और कुछ लोगों ने सोचा था कि देवर प्रीस्ट यानी वो कौन है, प्रीस्ट लोग हैं, अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स यानी कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया था, एंड येट सम अदर सेड द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा था कि सिपाही जो है उसके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। थर्ड क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में आता है व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द माइंड टू द थर्ड क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशंस दिए गए थे राजा को। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें तीनों के पहले तो ये है कि पहले इनके क्या आंसर किए गए थे और लास्ट में राजा को क्या आंसर्स उसके मिले थे। तो इसका आंसर होता है आपका थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या था कि क्या उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट टाइम है, तो वहाँ पर क्या कहा था कि कोई भी किंग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो जो है पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता, या फिर किसी को जो है फाइटिंग बैटल्स में या फिर किसी ये किसी ने कहा था कि युद्ध का जो है वो प्लान बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, या फिर किसी ने कहा था कि पूजा पाठ करवाना ये इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो इसी को हम इंग्लिश में देखते हैं द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन वर ऑल्सो वेरिड यानी वेराइड यानी बहुत अलग अलग आंसर्स उसको थर्ड क्वेश्चन के भी मिले थे, एंड सम सजेस्टेड दैट द साइंस वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ ने कहा था कि साइंस इंपॉर्टेंट है बिजनेस फॉर द किंग, एंड टू डू द अदर्स एंड टू डू एंड अदर्स यानी कुछ लोगों ने कहा था अदर्स सेड इट वाज फाइटिंग बैटल्स वेयर एज सम अदर्स सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, यानी कुछ लोगों ने कहा था कि युद्ध लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है राजा के लिए, एंड कुछ ने कहा था कि धार्मिक पूजा पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर्स उसके थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आए थे, एंड फोर्थ नंबर पर जो क्वेश्चन आता है आपका वो है डिड द वाइज मैन
विन द रिवार्ड, यानी क्या वाइज मैन ने रिवार्ड जीता? इफ़ नॉट वाई नॉट, यानी किसी भी क्या किसी बुद्धिमान आदमी ने वहाँ से जो है रिवार्ड जीता? अगर नहीं तो क्यों नहीं जीता? यानी आंसर्स तो सबने दिए थे, तो क्यों नहीं उनको रिवार्ड दिया गया? क्योंकि राजा ने तो कहा था, किंग ने तो कह दिया था कि उसको जो भी इसका आंसर देगा वो रिवार्ड जीत पाएगा, तो क्यों नहीं जीता किसी ने भी? नो, किसी ने भी रिवार्ड नहीं जीता। द वाइज मैन कुड नॉट विन एनी रिवार्ड बिकॉज, यानी कोई भी वाइज मैन वहाँ पर रिवार्ड नहीं जीत पाया था क्योंकि देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, यानी वहाँ पर उनके सभी के आंसर डिफरेंट थे और कोई भी आंसर से किंग जो है सेटिस्फाइड नहीं था। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन, यानी किंग ने और हर्मिट ने वाउंडेड मैन की मैन की किस प्रकार हेल्प की? तो किस प्रकार हेल्प की? उसको उसके घावों को धोया, उसके बाद में उसको ड्रेस किया, यानी ड्रेस करना मतलब मरहम पट्टी लगाना, और उसको बार बार मरहम पट्टी की जब तक कि उसका ब्लीडिंग जो है स्टॉप नहीं हो गया। ही कैप्ड वन ड्रेसिंग द वाउंड विद द हैंकर चीफ, यानी उसने एक बार उसके हैंकर चीफ से भी उसकी ड्रेसिंग की अंडिल द ब्लीडिंग स्टॉप, यानी जब तक कि खून रुक नहीं गया। ही गेव हिम अ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, आफ्टर दैट द किंग एंड द हर्मिट कैरीड हिम इनसाइड द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, यानी उसको बेड पर लिटा दिया और अंदर की तरफ ले गए। सो ये सब चीज़ें उसके साथ में हुई। ओके, 6th क्वेश्चन पर हम आते हैं, हु वाज द बेडेड मैन, यानी बेडेड मैन कौन था, दाढ़ी वाला आदमी था कौन? तो उसका आंसर होता है व्हाई डिड द बेडेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, यानी बेडेड मैन कौन था? किंग का दुश्मन था। हु वांटेड टू टेक द रिवेंज अपॉन द किंग फॉर हैविंग पुट हिज ब्रदर टू द डेथ एंड फॉर सीजिंग हिज ऑन प्रॉपर्टी, यानी उसकी प्रॉपर्टी सीज करने के लिए और उसके ब्रदर का बदला लेने के लिए क्या था वो बेडेड मैन आया था और वहाँ पर उसका वो दुश्मन था। ओके, 2nd क्वेश्चन आता है 6th का, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस, यानी उसने किंग की फॉरगिवनेस के लिए क्यों कहा, यानी किंग से माफ़ी क्यों मांगी उसने? क्यों मांगी? क्योंकि उसने उसको राजा ने जो है उसको पूरा मरहम पट्टी किया था, उसकी जीवन दान दिया था उसको। ओके, सो द बियर्डेड मैन आस्क्ड द किंग फॉर फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज बाय किलिंग द किंग, यानी वो राजा को मारकर उससे रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए उसने उससे माफ़ी मांगी कि वो तो उससे रिवेंज लेना चाहता है। एंड बट द किंग केयर्ड फॉर हिम, और किंग ने उसकी देखभाल की, एंड ड्रेस्ड हिज वाउंड टू सेव हिज लाइफ, और उसकी लाइफ बचाने के लिए उसको ड्रेस किया। दिस मेड हिम फील गिल्टी एंड दस ही आज द किंग ऑफ फॉरगिवनेस, और इसी चीज़ ने उसको गिल्टी कर दिया, यानी उसको अपने आप में शर्मिंदा किया और इसी वजह से उसने फॉरगिवनेस मांगी, यानी माफ़ी मांगी किंग से। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि किंग तो इतना अच्छा आदमी है, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो शायद ये तो मेरी कुछ गलतफहमी है, फिर इन चीज़ों को भूलकर उसने फिर माफ़ी मांगी। 7th क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो 7th क्वेश्चन में आता है आपका द किंग फॉरगिव द बेडेड मैन, यानी किंग ने फॉरगिव कर दिया बेडेड मैन को। Why did he do so? His forgiveness, यानी उसने इतनी जल्दी उसको माफ़ क्यों कर दिया, यानी उसको इतनी जल्दी माफ़ करने का रीज़न क्या था? King showed his forgiveness by arranging his own doctor and servants to look after him, यानी उसने what did he do to show his, मतलब उसकी फॉरगिवनेस को दिखाने के लिए उसने क्या क्या किया? सॉरी, जो राजा ने उसको इतनी जल्दी माफ़ क्यों कर दिया और उसको दिखाने के लिए, यानी जो है उसको मतलब माफ़ी देने के लिए उसको क्या क्या दिया? तो उसको क्या किया उसने, उसके लिए डॉक्टर अरेंज किया, नौकर अरेंज किया, एंड ही ऑल्सो प्रोमिस टू रिटर्न द सीज प्रॉपर्टी ऑफ हिम, यानी जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, सीज प्रॉपर्टी थी, वो भी उसने लौटाने के लिए कहा और डॉक्टर और सर्वेंट का अरेंजमेंट करवाया। वट वर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चन, यानी हर्मिट ने लास्ट में फाइनली उसको 3 क्वेश्चन के आंसर्स क्या दिए? राइट ईच आंसर इन सेपरेटली एंड विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, यानी आपको हर एक आंसर को सेपरेटली लिखना है और आपने आपको कौन सा आंसर सबसे ठीक लगता है वो आपको इसमें शो करना है। तो हर्मिट ने उसके क्वेश्चन के क्या आंसर दिए? उसके पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू एक्ट इज नाउ और द प्रेजेंट, यानी हर्मिट ने उसको आंसर दिया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है वो क्या है? अब, नाउ एंड द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। 2nd क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप किसके साथ में हो वही पर्सन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंसर था उसका थर्ड आंसर था, वो थर्ड आंसर ये था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू
that person good because we were sent into this world for that purpose only. यानी जो most important thing है उस person के लिए क्या है, good करना, अच्छा करना, उस person के लिए कुछ अच्छा ही कर का काम करना जो आपके साथ में उस moment पर है, वही आपके लिए सबसे important business है. क्योंकि हम इस world में, इस दुनिया में सिर्फ इसी purpose के लिए आए हैं कि दूसरों के लिए अच्छा करें, दूसरों का अच्छा सोचें, भला सोचें, यही चीज़ें हमारे लिए है. तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से हरमिट ने उसने दिए. अब यहाँ पर आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट, मुझे सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा है, यानी जो राइटर है उसको सबसे अच्छा आंसर लगा है पहला आंसर, बिकॉज ओनली द प्रेजेंट इज इन आवर कंट्रोल. क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट ही हमारे कंट्रोल में है एंड वी कैन डू एनी वर्दी थिंग इन प्रेजेंट. और हम प्रेजेंट में ही कोई भी वर्दी थिंग कर सकते हैं, कोई भी काम की चीज़ कर सकते हैं. ना तो हम पास्ट को छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना फ्यूचर से कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ जादूगर या फिर कोई ये सब लोग जा सकते हैं, लेकिन वो भी एक्चुअल में नहीं जाते, बल्कि वो एक वहम होता है, दिमाग का चीज़ होती है. सो हम ना तो फ्यूचर में जा सकते हैं, ना पास्ट को बदल सकते हैं. ओके, तो हम जो हमारे हाथ में जो कुछ भी है वो प्रेजेंट है, इसीलिए मुझे सबसे अच्छा आंसर ये लगा, राइटर को ये लगा. हमें क्या लगता है वो हम अपना अलग से आंसर लिख सकते हैं. अगर आपको भी यही लगता है तो आप इसी आंसर को लिख दें, अदरवाइज आप अपना आंसर खुद से लिख सकते हैं कि आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा. ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन एंड आंसर. सब वर्किंग विद द लैंग्वेज आता है, तो इसमें क्या होता है, मैच आइटम्स इन द लिस्ट ए विद देयर वर्ड मीनिंग इन लिस्ट बी. यानी इसको वर्ड मीनिंग के साथ में मैच करना है. तो वर्ड मीनिंग भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ. वाउंडेड मीन्स होता है घायल, अवोक मीन्स होता है जागा हुआ, फगे माफ़ करना, फेथफुल, तो इन सभी के मीनिंग्स हैं और ये आपको इससे मैच करना है. तो एक बार आप खुद से कीजिए इसको, फिर अगर नहीं आते तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए या फिर मैसेज कर सकते हैं. सो अभी आप, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, आपको सारे के सारे ये जो है आपसे लिखने हैं और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर लें. सो यही सब सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. और यहाँ से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं. यहाँ पर जैसे प्रॉमिस वर्ड है तो आपको यहाँ पर ये फिल करना है. तो ये है आपका अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन ब्रिगेड, यानी इसकी एक तरीके से आपको टेंस फिल करना है यहाँ पर. तो ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा थोड़ा सा, जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ टाइम पहले, या फिर आप इसको खुद से करें. ओके, तो खुद से जितना होता है वो आप खुद से करें, उसके बाद में मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा भी दूंगा. तो जब तक के लिए आपको यही सब क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको राइट करने हैं. इसके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. स्पीकिंग एंड राइटिंग पार्ट आपको छोड़ देना है, ये आपको नहीं करना होता है. एंड यहीं पर आपका ये चैप्टर फिर फिनिश है. सो तब तक के लिए अपन फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. तो तब तक आप इसके सारे क्वेश्चंस को, मीनिंग्स को राइट करें एंड लर्न करें. ओके, सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी. हैव अ नाइस डे.